हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है क्यू एंड ए वीडियो, जो कि आप सब बहुत ज्यादा बोल रहे थे क्यू एंड ए बनाओ, क्यू एंड ए बनाओ, क्यू एंड ए बनाओ, क्यू एंड ए बनाओ। सो मैंने सोचा क्यों ना बना ही देते हैं, तो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाई थी कि पूछो क्या पूछना है। सो आज देने वाली हूँ आप सबको आंसर, और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आए हैं, तो उनको आंसर करते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको कैसा रेस्पॉन्स आया है, तो देख सकते हो आप इतने सारे रेस्पॉन्स आए हैं, इतने सारे क्वेश्चन आए हैं। तो ये तो इम्पॉसिबल है कि मैं सारे क्वेश्चन को लेके बैठूं और एक एक को जवाब करूं, बट मैंने कुछ क्वेश्चन पिक करे हैं जो कि मुझे लग रहा है कि आंसर करने चाहिए, तो वो सब मैं आपको आंसर करती हूँ। सो क्यू एंड ए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रही हूँ वो मैं इसलिए ले रही हूँ बिकॉज अभी मैं चेंज ही करने वाली थी और ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, तो मैंने सोचा ट्रांजिशन बना देते हैं, क्यू एंड ए वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, वो किया है दीदी क्लोथ चेंज वीडियो बनाओ आप, क्लोथ चेंज वाली वीडियो बनाओ, इनका मतलब ये है। तो चलो कर देते हैं। सो आई एम रेडी, सो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्यू एंड ए वीडियो और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। सो लवलीज, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया है, जो कि मैंने इस फोन में सब ले रखे हैं क्वेश्चन, तो एक एक करके पढ़ते हैं, उनका रिप्लाई करते हैं और देखते हैं जो भी क्वेश्चन आते हैं। और अगर मैं किसी भी हर्ट करती हूँ या किसी भी चीज़ को इस चीज़ में जिससे आपको बुरा लगे, उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देती हूँ, बट मैं जो भी शेयर करूँगी वो मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा, तो बुरा नहीं मानना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, आई होप, यस। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि आया है, इतने सारे आए हैं ये वाले क्वेश्चन, इतने सारे आए हैं गाइस, मैं आपको क्या बताऊं। सो क्वेश्चन आया आपका बीएफ है, बीएफ क्वेश्चन मार्क, बीएफ 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 बीएफ। सो गाइस, मेरा कोई भी बीएफ नहीं है, धन्यवाद। या मैंने क्लियर कर दिया, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है ये, बोला है ऑलवेज हैप्पी रहना संध्या, यही बोलूंगा। थैंक यू सो मच, आप सब इतना सोचते हो मेरे बारे में, इसके लिए थैंक यू सो मच। आप भी सब खुश रहिए, मैं यही चाहती हूँ, और हैप्पी रहिए और हैप्पीनेस स्प्रेड करते रहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यूट्यूब और इंस्टा पर ग्रो कैसे करें, हाउ टू स्टडी आफ्टर 10th 12th ग्रेजुएशन, क्या लेना चाहिए। एक साथ में इतने सारे क्वेश्चन। सो यूट्यूब और इंस्टा पर ग्रो कैसे करना चाहिए, देखो अगर आपको किसी भी चीज़ में ग्रो करना है, किसी भी चीज़ में, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया हो या फिर पढ़ाई हो, किसी भी चीज़ में ग्रो करना है, वहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं तोड़नी चाहिए, वरना जो चीज़ आप कर रहे हो उसके बीच में ब्रेक आ जाता है और वहाँ से आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में ग्रो करना है तो आपको कंसिस्टेंसी ज़रूरी रखनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी इज़ द की। सो ये सच बात है, और किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको उसे दिल से करना चाहिए, तो आप ज़रूर उसमें सक्सेसफुल होते हो। सो आप उसमें ज़रूर सक्सेसफुल हो गए अगर आप उसको दिल से करोगे। तो यही है यूट्यूब और इंस्टा पर ग्रो कैसे करें, तो आप कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंटली अच्छे अच्छे कंटेंट बनाइए और आप ग्रो हो जाएंगे। सो ये हाउ टू स्टडी आफ्टर 10th 12th ग्रेजुएशन, क्या लेना चाहिए, तो ये तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है, 10th और 12th में कैसे पढ़ना चाहिए वो भी आप पे डिपेंड करता है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे नंबर तभी आएंगे। ग्रेजुएशन क्या लेना चाहिए, ग्रेजुएशन भी आपके इंटरेस्ट पे लाई करता है, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वही आप करिए, ताकि आगे जाके आपको रिग्रेट ना हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके सो ये क्वेश्चन आया, हिंदू गर्ल को मोटिवेट करो कि मुस्लिम बॉयज का GF ना बने प्लीज़। सो जैसे कि आपको पता है दिल्ली में भी रिसेंट में एक बहुत ही घटिया, क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा गंदी हरकत हुई थी, जो कि आप सबको पता होगा, आपने न्यूज़ में देखा होगा, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आया था, साक्षी वाला जो एक मर्डर केस हुआ था बीच में, तो वो देख के, मतलब वो वीडियो देख के तो मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आया, और वहाँ के लोग जो थे वो इतने नॉर्मल तरीके से जैसे गए हैं, उस चीज़ पर भी मेरे को गुस्सा आ रहा है, मतलब कैसे, अगर कोई उसे बचाता तो वो बच भी सकती थी, बट किसी ने भी कुछ नहीं कहा, और हम लोग जीते हैं कि मतलब बाहर वाले क्या सोचेंगे, बाहर वाले क्या सोचेंगे, इसी पे हम अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। बट ये देखो अभी किसी की जान जा रही थी और किसी ने भी मतलब बचाने की कोशिश नहीं की, तो मतलब बाहर वाले क्या ही देखेंगे, अब क्या ही बोलूँ मैं।
तो इन्होंने पूछा है कि हिंदू गर्ल्स को मोटिवेट करो कि मुस्लिम बॉयज़ का जीएफ ना बने प्लीज़। तो देखो बात ये आती है कि मतलब मुस्लिम बॉयज़ हो या फिर हिंदू बॉयज़ हो, कोई भी बॉयज़ हो, मैं तो यही बोलूँगी गर्ल्स को कि अपने करियर पे ध्यान दें और ये बॉयज़ वॉयज़ के चक्कर में ना ही पड़े तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज़ रीज़न सुन लो, आपके लड़कियाँ मेरे ऊपर चढ़ जाएंगी। रीज़न सुनो, बिकॉज़ इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, तुम्हारा करियर आगे जाके तुम्हारा साथ देगा। और अगर तुम चाहते हो अपनी फैमिली को अच्छा कुछ देना तो अपने करियर से ही आप देख सकते हो। और इन सब चीज़ों में वैसे कुछ नहीं रखा है अभी अभी आपकी एज है अपने करियर पे ध्यान देने की, तो उसी पे ध्यान दो। और ये बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में ना ही फंसो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब आपकी सेफ्टी अपने हाथ में है, तो चूज़ वाइजली अगर आप कर भी रहे हो तो, और ना ही करो तो बेटर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, 12 आवर क्लॉक में सो जाते हो क्या आप? अच्छा, तो इनका मतलब है 12 बजे के आप सो जाते हो। तो मैं 12 बजे कभी कभी सो भी जाती हूँ, कभी कभी नहीं भी सोती हूँ, बिकॉज एडिटिंग होती है। तो कभी कभी मेरे को रात में वीडियो एडिट करनी पड़ती है ताकि मैं नेक्स्ट डे अपलोड कर पाऊँ, तो उस वक्त मैं लेट सोती हूँ 12 के बाद से। और कभी कभी मैं 12 बजे भी सो जाती हूँ या उससे पहले भी सो जाती हूँ, डिपेंड करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये भी जानना है मुझे आपको किस टाइप के लड़के अच्छे लगते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, लड़के कैसे भी हो, अभी तो दूर दूर तक वास्ता नहीं रखना है, बिकॉज़ कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चर्चा नहीं करते इस चीज़ पे, और अब तो बिल्कुल नहीं करते बिकॉज़ डर इतना बढ़ गया है क्या ही बोले। सो इन्होंने पूछा है, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में कौन कौन है? मम्मी, पापा, 2 भाई और मैं, मतलब 5 मेंबर्स हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अगर आपके 1 मिलियन फॉलोवर्स कंप्लीट हो जाएं तो आप स्टडी छोड़ दोगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मतलब मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, स्टोरी नहीं मतलब रियलिटी बताती हूँ। अगर मतलब मेरे पास इतना होता, मतलब मैं अच्छे खासे पैसे अर्न कर रही होती, तो मेरा ये था कि मुझे मतलब है ऐसे कुछ कोर्सेज, आपको भी पता होगा, जिसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो मेरा ये था कि अगर मेरी अच्छे खासे अर्निंग होती या फिर फैमिली की तरफ से अच्छा खासा वो मिलता तो मैं वो ज़रूर करती। बट अभी बोलते हैं ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम नहीं चल पाते कभी कभी, तो अभी ऐसा है नहीं। और ये जो क्वेश्चन बोला है कि आप 1 मिलियन के बाद स्टडी छोड़ दोगे, तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जहाँ मुझे अच्छी खासी अर्निंग होनी स्टार्ट होगी, मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखूंगी। जो भी मुझे करना है तो वो मैं करूँगी, ट्राई तो ज़रूर करूँगी ताकि बाद में रिग्रेट ना हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे बोला है 500K कॉन्ग्रेचुलेशन। सो जो लोग मुझे इंस्टा पे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता होगा मेरे 500K बहुत पहले ही हो चुके थे, मतलब उससे भी ज़्यादा हो चुके थे। तो उससे मतलब बीच में अकाउंट में पता नहीं क्या हुआ था कि पूरे मेरे घट घट के कम हो गए थे। बट अब दोबारा मैंने वीडियोस जैसे ही कंसिस्टेंटली डालना स्टार्ट किया है तो दोबारा मेरे 500K हो चुके हैं। तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा है, उसके लिए थैंक यू। जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं उन सबको दिल से थैंक यू, संध्यंस। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, डू यू लाइक टू एक्सप्लोर ट्रैवलिंग इन स्नो एरिया एंड सी स्नो फॉल? तो इन्होंने बोला है कि आपको ट्रैवलिंग करना स्नो एरियाज में पसंद है और आपको स्नो फॉल देखना पसंद है, तो ऑब्वियस सी बात है, ज़रूर। तो यस, स्नो एरिया में जाना भी मुझे पसंद है, ट्रैवलिंग भी मुझे पसंद है और स्नो फॉल भी देखनी है, तो आई होप फ्यूचर में ये सब हो पाएगा। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, योर एज? मेरी एज 19 ईयर्स ओल्ड है, इन 2023 में 19 ईयर्स ओल्ड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? सो यहाँ पे मैं बोलूँगी ये दोनों मेरे अंदर हैं, दोनों ही अंदर हैं। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, मतलब अगर जो मेरे को जानते हैं तो मैं उनके साथ खुलेपन से बात करती हूँ, और जो मुझे नहीं जानते तो मैं उनके साथ बिल्कुल ऐसे ही इंट्रोवर्ट की टाइप बात करती हूँ, शायनेस की टाइप, और मतलब बात ही नहीं करती मैं, मतलब जिनको जानती नहीं हूँ, और जिनको जानती हूँ उनको पता है मेरा बिहेवियर, मैं कितनी बातें करती हूँ। सो यस, सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किससे बात कर रही हूँ, किस टाइम पर बात कर रही हूँ, तो वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। बाकी ज़्यादातर तो मैं छुपी रहती हूँ। अच्छा, मेरे घर वालों से पूछ सकते हो, मैं बहुत छुप रहती हूँ, बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वुड यू लाइक टू बी फेमस? क्या आप फेमस होना चाहते हैं? तो यहाँ बात आती है कि मतलब फेमस तो मतलब अगर हम किसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं तो उसमें मतलब फेमस तो हो ही जाते हैं। मतलब अगर जैसे मैं वीडियो की क्रिएटर हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो उस चीज़ में मतलब लोग जानने लग जाते हैं हमको। मैं वीडियोज़ इसलिए बनाती हूँ बिकॉज मुझे पसंद है, और अगर उस चीज़ को लेके फेमस हो रही हूँ मैं तो अच्छी बात है, बुरी बात तो नहीं है इसमें। क्वेश्चन पूछा है, पबजी का वीडियो बनाओ प्लीज़।
सो देखो पबजी मैं ज़्यादातर खेलती नहीं हूँ, जो मुझे जानते हैं उनको पता होगा, अगर खेलती भी होती तो मैं वीडियो वगैरह बना के आपको बता देती, बट पबजी मैं खेलती नहीं हूँ। कभी कभी हो जाता है कि मतलब कभी कभी ऑन कर ली, खेल ली, ऐसा होता है, और मैं नूब हूँ, सही बता रही हूँ, मुझे खेलना नहीं आता। सो मैं कभी कभी खेलती हूँ, और पबजी के ऊपर वीडियो मैं कैसे बनाऊँ, बिकॉज मुझे ज़्यादा आता भी नहीं है, नूब हूँ मैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, योर रियल नेम। वाओ वाओ, मेरा असली नाम। सो मेरा असली नाम है संध्या राघव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा नहीं है, यहाँ पे बोला है, आई लाइक योर बिहेवियर संध्या, बिकॉज यू ट्रीट एवरीवन नॉर्मली, नॉट अ सेलिब्रिटी टाइप, इट्स अ गुड थिंग। सो थैंक यू सो मच। और ये बिहेवियर मेरा ऐसे ही है, बिकॉज मुझे कुछ भी वो नहीं लगता कि मैं सेलिब्रिटी हूँ या कुछ, वैसे कुछ भी नहीं है, जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ, और आपसे ही मैं हूँ। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेलिब्रिटी बन के, मतलब एटीट्यूड वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए किसी के भी अंदर, बिकॉज एक टाइम के बाद सबको जाना है, एक ही जगह है, आप सबको पता है कहाँ जाना है, सबको एक ही जगह जाना है, तो एटीट्यूड घमंड रखे हम क्या ही कर लेंगे, तो नहीं रखना चाहिए, और सिंपल रहना चाहिए, जैसे आप हो वैसे हमें। शुक्रिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, आप सनातन धर्म को किस तरह से सोचती हो। सो ऑनेस्टली मैं बताऊँ, सबसे अच्छी बात मैं बताती हूँ आपको, जब ये पूजा पाठ और ये सब, मतलब पहले होता है ना, हम बच्चे होते हैं और हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मतलब अपने एज के ग्रुप से या फिर किसी भी पीयर प्रेशर की वजह से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लगते हैं, ऐसा होता है, सबके साथ होता होगा, कोई भी झूठ मत बोलना। सो ऐसा होता है, बट अभी जो अभी का समय है वहाँ पे मेरे को अच्छा लगता है, मतलब कई लोग अपने सनातन धर्म को लेके, हिंदू धर्म को लेके उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आपने बोला है सनातन धर्म को किस तरह से सोचती हो, तो इसमें सोचना क्या है, दिल में श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के प्रति, और वहीं से आपका सारा जीवन स्टार्ट होता है। अगर आप अच्छे इंसान हो अंदर से, तो भगवान भी आपको देख के खुश रहते हैं, और अगर आप अच्छे व्यक्ति हो, अच्छे कर्म करते हो, तो भगवान भी आपको देख के खुश रहता है। तो दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, आपका दिल साफ होना चाहिए, और बस भगवान को मानते रहो। ओके सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, विच एज यू स्टार्ट थिंकिंग दैट यू आर मैच्योर नाउ। सो ये तो मैं बोलूँगी कि मतलब मैच्योर तो मैं हूँ, मैं सीरियस भी हूँ, और मैच्योर किस एज में मुझे ये लगा कि मैं मैच्योर हो चुकी हूँ, तो ये मतलब कह सकते हैं कि मैं बहुत पहले से ही मैच्योर हूँ, बोल सकते हो आप, बिकॉज होता है ना, कुछ चीज़ें प्राइवेट रखनी चाहिए लाइफ में, और ये नहीं है कि हम उसे सोशल मीडिया पे पूरा ही शेयर कर दें, कुछ चीज़ें प्राइवेट ही सही रहती हैं। तो मैच्योर मैं बहुत जल्द ही हो गई थी, मान लो आप चाइल्डहुड में या चाइल्डहुड के थोड़े बाद ही, जब से मैं चीज़ें समझने लग गई थी, और यस इतना ही बोलना चाहूँगी मैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कभी आपका कोई फ़ैन आपके घर मिलने आया है। सो फैन हाँ बोल सकते हो आप, मतलब ऐसे मैं एड्रेस तो शेयर नहीं करती हूँ, मैं ये प्राइवेट ही रखती हूँ, बिकॉज अलाउड भी नहीं है घर में, तो कई लोग बोलते हैं कि मतलब एड्रेस बता दे है, तो ये अलाउड नहीं होता। और आप भी समझो, अगर आप किसी के घर जाने लगो या फिर उनके घर के बाहर खड़े रहो, तो हमें तो पता है कि आप किस लिए खड़े हो, हमारे फ़ैन हो इसलिए, बट आसपास के जो सोसाइटी है, लोग हैं, मतलब वो गलत चीज़ में लेते हैं, आप सब समझ सकते हो, तो इसलिए भी मैं नहीं बता सकती है। और हाँ एक बार ऐसा हुआ था इंसिडेंट, मतलब कोई आ गया था गलती से जो मेरे आसपास में रहते हैं, तो वो आ गए थे और एक बार आए थे, तो यस एक ही बार हुआ है ये, मतलब जो घर पे मतलब ऐसे आए हैं, बाकी मैं शेयर नहीं करती ये चीज़, बिकॉज ये चीज़ सेफ भी नहीं है मेरे ख्याल से। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, आप टाइम कैसे मैनेज करती हो सोशल मीडिया और पढ़ाई का। तो ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो अभी मैंने मतलब पढ़ाई बीच में मतलब इतनी सीरियसली नहीं ली थी, बट अभी मेरा ये लास्ट सेमेस्टर है, इसमें मुझे सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। और इन्होंने पूछा है कि टाइम मैनेज कैसे करते हो, तो मैं अपने टाइम पर बताती हूँ। अपने टाइम पर जब मैं क्लास 12th या फिर क्लास 10th में थी, तो जब तो मैं ऐसे ही करती थी, मतलब मतलब हाफ टाइम आप पढ़ाई को दे दो, हाफ टाइम जब आप ब्रेक ले रहे हो उसमें आप वीडियो बना लो, कंटेंट सोच लो, या सोशल मीडिया कर लो, तो ऐसे आप डिवाइड करके कर सकते हो, तो अच्छे से होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिना फिल्टर के वीडियो बनाओ। बिना फिल्टर के ही वीडियो है ये। कुछ भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, टेल मी द सिचुएशन वेयर यू वर एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड, माय सेल्फ आदि। ओके
सो ऐसे सिचुएशन जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, ऐसे सिचुएशन बहुत आई है, और ये सब चीज़ें मैं शेयर नहीं करती सोशल मीडिया पे, बिकॉज़ नहीं करती, मुझे पसंद ही नहीं है सैडनेस वाली चीज़ें शेयर करना। लोगों के जीवन में पहले से बहुत ज़्यादा दुख है, तो ऐसी चीज़ें शेयर भी नहीं करनी चाहिए। और ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आई है, कभी कभी होता है मतलब पढ़ाई नहीं कर पाते अच्छे से, टायर्ड हो जाते हैं, बहुत होता है। कभी कभी ऐसा होता है हमने सिलेबस ही नहीं पढ़ा होता, उसको सोच सोच के हम टायर्ड हो जाते हैं कि क्या होगा कैसे होगा, तो बहुत सारी सिचुएशन आती है ऐसे। और कभी कभी तो मैं हो जाती हूँ जब मेरे फेक अकाउंट इतने बन जाते हैं, देख देख के उनको डिमोटिवेट हो जाती हूँ, डर लगता है मतलब वो गलत यूज़ ना करें, बहुत सारी सिचुएशन आती है ऐसे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।